अवैध रूप से बालू ढुलाई का खेल अभी भी जारी है। इस लॉकडाउन में गाड़ियां कम चल रही हैं, लेकिन अवैध रूप से बालू घाट चालू हैं और उनको लेकर कई ट्रक लगातार बालू ढो रहे हैं। ऐसे में SDM सुनील कुमार के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष और CO अनामिका कुमारी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और कई ट्रक को आज लॉक किया गया। ये ट्रक अवैध रूप से बालू लेकर जा रहे थे। NH2 पर इस तरह की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि रात में भी कई बालू लदे ट्रक चल रहे हैं। ऐसे में SDM सुनील कुमार के नेतृत्व में छापेमारी काफ़ी असर डालेगी और जो गाड़ियां लॉक हुई है ऐसे में बालूबाजों के हौसले डाउन होंगे। देखते हैं डेहरी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की ये खास रिपोर्ट। हम लोग कोयला डिपो स्वरा और फोर लेन से 7 ट्रक और 1 लोडर जब्त किए हैं और इनके ऊपर इलीगल माइनिंग के तहत FIR लॉन्च कराया जा रहा है। सर, बहुत जगह डंपिंग भी मामला आ रहा है, डंपिंग हो रही है अभी भी बालू घाट बंद होने के बाद भी। बालू घाट बंद है फिर भी कुछ लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर डंपिंग करके ट्रक से लूट करके ले जा रहे हैं। कल भी हम लोग 8 गाड़ी पकड़ के FIR किए हैं, आज भी 8 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। लगातार अभियान चलता रहेगा जब तक इन लोगों का पूरा मनोबल टूट नहीं जाएगा।